नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टोमेटो करी लेके आया हूं। तो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम प्याज, इसे हमने बारीकी से काट लिया है, कुछ लहसुन की कलियां, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सूखे हुए लाल मिर्च, कुछ धनिया पत्ते। पहले हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच नारियल का तेल, आप चाहे तो कोई भी और फ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सूखे हुए लाल मिर्च, हम थोड़ी देर सॉटे कर लेंगे। हमें बहुत ही कम आंच में पकाना है, अगर हम तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी काला हो जाएगा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं। फिर हम लहसुन की कलियों को भी थोड़ा देर सॉटे कर लेंगे। समय हम आंच थोड़ा मीडियम कर सकते हैं, जब ये थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम उसी तेल में अपने टमाटर को भी पका लेंगे। तो टमाटरों को हमने पहले बीच से काट लिया है और उसका ऊपर का जो हार्ड हिस्सा होता है उसे भी हमने काट करके निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम एक साइड अच्छी तरह पका लेंगे। जब एक साइड अच्छी तरह पक जाए तब हम इसे पलट करके दूसरा साइड भी पका लेंगे। तो आपको एक एक करके इस तरह इसे पलटना पड़ेगा ताकि दूसरा साइड भी अच्छी तरह पक जाए। थोड़ा मेहनत का काम है दोस्तों, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब होगा। जब दूसरी साइड भी अच्छी तरह पक जाए तब हम इसका स्किन निकाल लेंगे। फिर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम क्रश करेंगे अपने हाथों से सूखे हुए लाल मिर्च और लहसुन को। फिर हमने थोड़ा नमक डाल दिया है ताकि क्रश करने में थोड़ा आसान हो जाए। अगर आपको हाथों से क्रश नहीं करना है तो आप किसी पत्थर से भी इसे क्रश कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं अभी। जब ये अच्छी तरह क्रश हो जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने पहले से पतले पतले काट लिए हैं। फिर हम डालेंगे धनिया के पत्ते और फिर हम इसे अच्छी तरह क्रश कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक पत्थर का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह क्रश करने से प्याज का जो जूस होता है वो अच्छी तरह इसमें घुल जाता है और यही रेसिपी को ज़्यादा फ्लेवर और टेस्टफुल बनाएगा। तो ये लीजिए, हमने अच्छी तरह क्रश कर लिया है। अब हम टमाटर को भी अपने हाथों से क्रश करके इसे इसका पल्प बना लेंगे। इसे बस थोड़ा सा स्क्वीज करना है ताकि ये थोड़ा पल्पी बन जाए, इसे हमें जूसी टाइप नहीं बनाना है। जब ये अच्छी तरह पल्प बन जाए इसमें हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ प्याज, लहसुन और मिर्च। फिर डाल करके हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच नारियल का तेल। तो मैंने पहले कहा था आप कोई भी और फ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और बस दोस्तों, हमारा स्पेशल टमाटो करी बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। आप इसे राइस के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू।